देखिए, अभी जो प्रोग्राम विदेशों में निश्चित हुए हैं, तय हुए हैं, उनमें मुझे बताते बहुत खुशी है कि पहली बार अमेरिका के वाशिंगटन स्थित जो व्हाइट हाउस है उसके अंदर फर्स्ट टाइम बाबा साहब अम्बेडकर का जयंती समारोह 16 अप्रैल को मनाया जा रहा है। 14 अप्रैल को यूनाइटेड नेशंस के मुख्यालय में बाबा साहब अम्बेडकर का जयंती समारोह मनाया जा रहा है। उसमें जो 125 लोग पूरे देश से चुने जा रहे हैं, उन लोगों को उसमें डॉक्टर अम्बेडकर अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। इसके बाद 15 अप्रैल को जो हमारा कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया न्यूयॉर्क में है, वहाँ बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है। और शाम को जो हमारा न्यूयॉर्क का गुरुद्वारा, उसमें व्यापक स्तर पर जयंती मनाई जा रही है। इसके बाद 29 अप्रैल को ये जयंती जो है न्यूयॉर्क वैंकूवर कनाडा के अंदर मनाई जा रही है, और 30 अप्रैल को ये जयंती ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर वार लेबर पर मनाई जा रही है। तो इस टाइप से ये जो प्रोग्राम अब तक डिसाइड हुए हैं, जिनमें न्यूयॉर्क का प्रोग्राम है अमेरिका में, दूसरा प्रोग्राम वाशिंगटन का है व्हाइट हाउस में, तीसरा प्रोग्राम जो है वैंकूवर के अंदर है, चौथा प्रोग्राम हमारा जो हमारी ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसके अंदर है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रोग्राम अब तक निश्चित हुए हैं। और इसमें हम और मोंटी जी दोनों भाग लेंगे, जाएंगे, उनमें पार्टिसिपेट करेंगे और अपने समाज की आवाज़ को वहाँ उठा करके निश्चित रूप से बाबा साहब अम्बेडकर का जो मिशन है उसको पूरा करने की हमारी कोशिश पिछले 25 वर्षों में रही और आगे आने वाले समय में भी ये कोशिश रहेगी। और मैं देश हमारे भारतवासियों से निवेदन करूँगा, बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायियों से निवेदन करूँगा कि जो लोग अमेरिका जाना चाहते हैं, जो लोग व्हाइट हाउस में बाबा साहब की जयंती मनाना चाहते हैं, वो हमसे संपर्क कर लें। उनका इन्विटेशन हम लोग इशू कर रहे हैं और वो अपने वीज़ा फॉर्म जो है हमारे पास भेजें, जिससे कि उनको इन्विटेशन विधिवत रूप से हम जारी कर सकें और उनके वीज़ा की प्रोसेस को पूरा किया सकें। और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इस बाबा साहब अम्बेडकर के जो जन्मदिवस प्रोग्राम हो रहे हैं, उनमें वो भागीदार होकर के अपनी जिम्मेदारी को सुनिश्चित कर सकें। जय भीम नौ बता।